हम कोण पर है, तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ओ एक का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी के स्क्वायर के प्लस ए पी के स्क्वायर के, किस कारण से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से हम कह सकते हैं जिसमें हम जानते हैं कि ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो हम ओ ए की जगह पर 5 का स्क्वायर रख सकते हैं। इसके बाद ओपी जो कि हमें नहीं पता है, तो ओपी को हम ऐसा का ऐसा रखें और एपी स्क्वायर। अब हम अगर एपी को देखें तो हम जानते हैं कि एपी आधा होगा एबी का, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एपी 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एपी बराबर होगा आधे एबी के, जो कि है 6/2 = 3। इसलिए एपी 3 सेंटीमीटर होगा। अब अगर एपी 3 सेंटीमीटर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर के। इस हिसाब से ओपी का स्क्वायर बराबर हुआ 25 - 9 = 16, यानी कि ओपी बराबर है 4 सेंटीमीटर। यह हमारे पास आया ओपी। ओपी है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से हम ओपी के बाद ओ क्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम दूसरे त्रिभुज ओ क्यू सी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमारे पास ओपी के साथ साथ ओ क्यू भी आ जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं यहां पर कि हमारे पास ओपी आई है 4 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमारी त्रिभुज ओ क्यू सी में। तो त्रिभुज ओ क्यू सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू सी के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो सकता है तो हम जानते हैं कि OC हमारे पास वृत्त की त्रिज्या 5 का स्क्वायर बराबर OQ जो हमें निकालना है। इसके बाद QC आधा होगा CD का, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर, क्योंकि QC बराबर 1/2 CD बराबर 1/2 × 8 = 4। इस तरह से हमारे पास OQ अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास OQ आ जाएगी 3। अब हमारे पास OP बराबर 4 सेंटीमीटर और OQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, जो हमें चाहिए था PQ, तो हम ये कह सकते हैं कि PQ जो है वो बराबर होगा OP माइनस OQ के, और OP हमारे पास 4 माइनस OQ बराबर 3, तो हम कह सकते हैं कि PQ 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वृत्त में जीवाओं या केंद्र से लगने वाली सभी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें हमने जैसा कि इस्तेमाल किया पाइथागोरस प्रमेय। इसके अलावा जो वृत्त के साथ लगी वो थी हमारे पास कि जीवा पर केंद्र से आने वाला लंब उसे समद्विभाजित करता है।